हमने ये नहीं सोचा था कि वो फिर से मुकर जाएंगे। अच्छा, फिर आज बड़ा जागा होगा तो कल बारात जाएंगे जुम्मे। ये के समिया को माशाल्लाह रोटी खा रही है। ओह, मुझे देखकर बस भी कर दे। हाँ, बस तुम बैल ले लेती। वो दोनों कमरे में झाड़ू लगाया बिस्तर मेरे, और ना ये बकरी वाला वाड़ा साफ करना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है माशाल्लाह, घर में भी सब खैरियत है, अल्लाह पाक का करम है। तो जो बहन भाई न्यू आते हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि हमें मुझे सपोर्ट मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों में, सब जो भी जानने वाले उनको ये वीडियो जो है शेयर करें। तो जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद नवीन आता फरमाए, और जो बहन भाई मुश्किल में अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे, और अल्लाह पाक सब देखने वालों की माला रिस्क में बरकत अता फरमाए, और सब बहन भाइयों के घरों में खुशियाँ नसीब करे, और जो इस दुनिया पाने से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन सबकी मगफिरत फरमाए, और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो आज का भी लोग जो है हमारा ज़बरदस्त होने वाला है, रहना हमारे साथ है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी बात करनी है, सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को शेयर भी करना है। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह के टाइम है, सूरज जो है निकल रहा है, और ये बाहर हैं, पहले मुरझाए हुए थे, अब जो है ये मतलब के क्या होती हैं वो हो जाएंगी हरियाली, शाम को मुरझा जाती है ना जब सूरज डूब जाता है, फिर जब निकलता है तो फिर फूल खिल जाते हैं। और बाकी देखे मौसम माशाल्लाह सही है, बेहतरीन है। आज जो है धुंध है नहीं, वैसे धुंधे तो 10-12 दिन हो गए धुंध नहीं पड़ रही, अब मौसम साफ होता है माशाल्लाह। यहाँ देखिए ज़किया लेके जा रही है चाय, वो भी अब्बू के लिए। अब्बू को देने जा रही हो? हाँ जी। बन गई चाय? हाँ। चलो देख के आओ, ये ना हो ठंडी हो जाए, फिर मैं इधर अम्मी से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत का सुना है? ठीक है। सही है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चाय शाय बन गई है? जी अच्छा बन गई। अब धुंधे नहीं होते ना, ऐसे लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया। हाँ जी, टाइम हुआ ही ज्यादा ही। आटा शाटा भी गूंद लिया? जी आटा भी गूंद लिया, और जानवर भी निकाल दिया, घास सास डाल के चाह बना के फिर रोटी बनाऊंगी। जानवर भी निकाल लिए? कहने लगी जानवर तो जानवर, वैसे बस जैसे जबान चलती जा रही है, बस कोई रोक सकता है किस, कोई नहीं रोक सकता। जबान तो फिसल जाती है? वो ज्यादा ही फिसल जाती है मेरी जबान, मैं एक गाल करूँ तो दूसरी सीधी नहीं आती, पता क्या मसला, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सरेके में तो फटाफट बोलती है आप? नहीं वैसे सरेकी जब कोई बात हो गई मैं मसले जबान अड़न लगती है। अच्छा, हूँ घास डाल दिया। हाँ जी, बाकी चाय अब दे दे बच्चों को, बच्चों को भी दे के आ जाओ, और उनको बोलो प्लेट ऊपर से दे करके आए, उनको बोलना। हाँ। नहीं तो उनको बोला मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और ये ऐसे करना, छाने में चले जाओ, वहाँ पर मेरी दवाई रखी होगी, तो वो मुझे लेके दो। ठीक है ठीक। ये देखे बच्चों को, ये बकरी के बच्चों को दूध पिला रहे हैं, क्योंकि ऐसे बकरियाँ खड़ी नहीं आती, शैतान बन गई है, अब पकड़ के पिलाना पड़ता है। अब ये दो बंदे ये इसको दूध पिला रहे हैं, एक बच्चे को, और एक को वो पिला रहा है, वो ज़्यादा शैतान है छोटी बकरी, वो तो ऐसे नहीं खड़ी होती है, दूसरी खड़ जाती हैं कभी कभी।
शाम को जब आते हैं ना, खुद ही पिलाते हैं, वो नहीं करते, उसको पकड़ना पड़ता है। इसने पी लिया, अपना वो साफ कर दिया। अच्छा चलो, वह दूसरियों को पिला लिया। तो देखे जी, मुनीब भी आ चुका है। हाँ जी मुनीब पुत्र, हाँ जी ठीक हो? हाँ जी। तुम्हें से ठीक है? हाँ जी। अच्छा, रात जो है आप वहाँ शादी पे जागे पे गए थे? हाँ जी। क्या बना, फिर क्या निजाम था वहाँ पर? कुछ नहीं, मैं झूमर झूमर खेलते आ गया। झूमर ताड़ी थी? हाँ। वही तो जागा होता है, मर्दों ने झूमर लगाए थे। हाँ जी। या औरतों के भी देखे थे आपने? मरते। अच्छा, मर्द मारते हैं सिर्फ? चलो, आम में भी साथ गए थे रात? हाँ जी। वो मर्दू का जागा था, वो जिवें होंगे ना अपना यार दोस्त, ऐसे वो ना जागा खुद लेके आए जरा दूर से, लेकिन वो आए थे मर्द सारे, बस डांस वास की, झूमर खेली, बस औरतों तो नहीं खेलिया ना। औरतें तो शादी वाले दिन नहीं खेलती। हाँ जी। चलो, हमारा क्या काम है औरतों से? हाँ। आपका तो औरतों के काम है, हम तो आपका अगर औरतें खेलना, शादी वाला खेलना तो देखूंगा, लेकिन नहीं उन्हें तो मर्दों का जाना था। उड़े ओ बे, क्योंकि असर मचाया हुआ है, ये पह गया आते। चलो तो फिर, लाजा फंक्शन था सुबह, देखते आगे है। चलो सही है, फिर आज शुरू होगी शादी? आज बरात जाएगा? जाएगा होगा आज। दोनों शादियों का? दोनों शादी का कल बरात जाएगी, दोनों शादियों एक ही बार? हाँ एक ही बार। ये कैसे रख दिया उन्होंने? बस उन्हें भी कांडे डाल दिया ये सवार के, तो वो भी कोई पता नहीं। वलीमा चेंजिंग में होगा शायद? हाँ, वलीमा एक दिन जैसे रात गया से ना, इन्हें तो वलीमा इतवार होगा, उन्हें का हफ्ते होगा। चेंज कर दिया ना एक। चलो बारात के तो कोई नहीं, बारात वैसे भी थोड़े थोड़े लेके जाएंगे। हाँ जी। इसीलिए दोनों ने एक साथ रखा के बंदे ज्यादा ना हो। हाँ, ए जगह ना रात गैसे ए बारात ए ज्यादा नहीं लेने पाए, बस आठ तक बंदे जाने पन बस, ते ओ भी दे बारात के जो जाएगा। चलो सही है, फिर वलेमा हफ्ते और इतवार। हाँ जी। पता नहीं फिर फरमान भाई वापस आते हैं या कल का बोला है उन्होंने। अच्छा। पहले तो आज का बोला था। हाँ जी। हमने ये नहीं सोचा था कि वो फिर से मुकर जाएंगे। अच्छा। फिर वो कल पे पहुंच गए। अच्छा। अब फिर कल देखे हैं कि वो आ पाते हैं या फिर वले में से भी रह जाएंगे। कल आ जाते तो फिर चलो वली में तो खा लेते ना। आज क्या डेट है? आज 14 तारीख है। हाँ जी। और वार क्या है? बुध। बुध लगता है मुझे तो। खमीस है, कल जुम्मे बारात जानी है। वो परसों जाएगी, मैं एक मिनट देख लूँ। मैं नहीं, कल जाएगी। कल आज बड़ा जागा होगा तो कल बारात जाएगी जुम्मे। ये हाँ, आज बुध है, आज बुध है, कल जो है जुमरात है, जुम्मे इनकी बारात जानी है दोनों की। आज बुध है, कल मंगल था। नहीं, 15 को बारात जानी है तो आज 16 को वलीमा, तो फिर कैसे आज? 16 को वलीमा थोड़ी है वो, 16 को बारात जानी है, फिर इनका जो है ना 17 को वलीमा नहीं है, उनका 17 को वलीमा है, और इनका 18 को बनेगा इतवार। 17 और 18 दो वाले में है ना हफ्ते इतवार। 16 को बारात एक साथ जाएगी। जो भी है बारात कल जानी है, दोनों की कल ही जानी है। कल नहीं, जो नहीं कल ही जानी है। अच्छा, कल आपने पूछा नहीं वो बुढ़ी से? पूछा क्या? जुम्मे जाएगी। वेल, जुम्मा तो परसों है, परसों ही जाएगी ना। चलो, वो एक डेट बोल रही है आप। मुझे ये भी समझा दो, आज भली खमीस है, कल जुम्मा है, मैं ये समझा। आज बुध है, आज बुध है तो ठीक है, तो कल फिर बड़ा जागा होगा, कल शाम को। चलो ये भी ठीक है। सही है, आप रोटी बना रही हैं, और मैं तो सोचता था कि आज वो आ जाते कौसर और फरमान, तो चलो खैर, कल का उन्होंने बोला है अभी कल जो है शायद स्टार्ट होंगी। हाँ
तो कल शायद आ जाए, वो भी इन्हें शादियों के लिए बोल रहे थे कि शादियों पर लाजमी आना। हाँ माँ आदि आज जाए ना तो फिर मैं अकेली पीछे कैसे बरात नल जाऊँ, इतने घर दे करूँ कैसे, चलो आ जाएंगे ना, तुम खुद बरात नल चले जाओगे तो हम घर की करेंगे ना, जो हम जाएंगे तो तुम घर की करोगे, वो बना पे कोई ना कोई एक दो बंदे घर होना चाहिए ना। तो ये ऐसे हम तुम्हारे अब्बू के मैं जाऊँ तो फिर पीछू काम घर दा जानवरों का घर दा वो नहीं होता, तो पता है बरात नल तो सारा दिन लग जाता है। चलो वो तो टाइम आएगा इंशाल्लाह, वो वापस आ जाए। सर फरमान आ जाए तो चलो, शायद वो चले जाए, तुम चले जाओ तो हम घर करेंगे, जैसा प्रोग्राम बढ़ेगा जाना तो है। हाँ, बरात के तो साथ ना जाए तो फिर नहीं, उधर जाना है लाजमी, अगे वो नाराज हो पड़े ना, तो जागे पे एक दिन ही नहीं गए, 15 दिन हो गए उन्हें तो जागे शुरू है, कालो बिरा के कालो बिरा वो बहुत नाराज हो जाकर, कल मेढी पे नहीं बुलाया। कालो बिरा बहुत अच्छा बंदा है, वो हमारे शादी खुद ही अटेंड करता है, सारा निजाम वही देखता है, और हमारे खुद के शादियों के जागे तो वही करता है 15-15 दिन। हाँ जागे रोटी सिस्टम सारा खावन पिलावन सारा कुछ मुदे जिम्मे होते, हम तो बरात के साथ चले गए पीछे सारा खाना पीना घर का सारा कोई संभालता ना। फिर वो आपका भी हक बनता है जाने का, या तो बच जाए ना, उसे लाजमी जाना है, उसके भाई की शादी है ना। हाँ जी चलो सही है, पता हम आएगा तो इंशाल्लाह जाएंगे शादी पे, बारात पे शायद चले जाएं और अच्छे जो है ना वीडियो खूबसूरत बना सके। हाँ जी वलीमे की तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनेगी, वीडियो की भी बारात की भी दूल्हे चूल्हे के साथ और चंगी डांस वास शुगल होने ना। चलो सही है बना ले रोटी, आप रोटी स्टार्ट कर दी आपने। हाँ जी सही है, वो कह रहे थे कि अम्मी के साथ ना बच्चे बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ जी। जब अम्मी बैठते हैं ना चूल्हे पे, हाँ। चारों साइड से बच्चे बैठे हों फिर वो खूबसूरत नज़ारा होता है, मतलब ऐसा लगता है माँ अपने बच्चों की खिदमत कर रही है। वो तो कर लेते लेकिन मैं ये समझती जो होती छोटे बच्चे हैं तो सारा कुछ आप मैं कर दी है ना, लेकिन हम थोड़ा ये हो गया बोले हम बहु आ गए ना, हमने चूल्हा बहू का हक होना है ना संभालना, तो इसलिए मैं हूँ तो मेरी बात कोई पूछता नहीं, थोड़ा इश्तियाना जो है वो भी मेरे साथ खाना नहीं खाते, वो भी तुम्हारे साथ भाभी के साथ इधर उधर वो भी मेरा बात नहीं मानते, इसलिए तो बच्चे बड़े हो जाए घर टड़ाले हो जाए पीछे माँ आपके पीछा हट जाती है, यही मसला है ना। हाँ बस वो एक दो दिन का बोल रहे थे, वैसे ही आपने बना दी रोटी शोटी खाना, ऐसे समझे आप ये खिदमत कर रहे हैं बच्चों की, फिर अच्छा लगा, बहन भाइयों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। कल का दिन भी आया अभी शाम को ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि दिन छोटे हैं तो शाम में मुश्किल, सुबह हम आ गए स्टियाना के पास। हाँ जी स्टियाना पुत्ता रे कैसे तबीयत है, ठीक हो, मजे है, खाना शाना बना रही हो, खाना बना रही हो, क्या क्या बना रही हो, रोटी सालन किस चीज का सालन बनाया है, हाँ अब कुछ सुना भी दो। जोर से पढ़ो। चलो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नाथ सुनाई है ना शेरा पुत्र, बहुत ही प्यारे नाथ पढ़ी है माशाल्लाह, अब सालन शलन बना रही हो, रोटी का निजाम हो रहा है, किसके लिए बना रही हो, या डेली आपसे पूछता हूँ किसके लिए बना रही हो, आप बताते ही नहीं है किसके लिए, सब घर वालों के लिए, बहन भाइयों को नहीं खिलाओगी, जो आ जाएंगे खा जाएंगे खा लेंगे, ऐसे भिजवा नहीं सकते आप, उनको पार्सल भिजवा दिया करो पुत्र, ठीक है
पता है पार्सल क्या होता है? उसको पैक करके भिजवा देना डब्बे में, ठीक है? अच्छे अच्छे रोटियाँ बनाओगी ना, ताज़ा ताज़ा सेवियाँ भी बनाओगी, चावल भी, पप्पा भी, गोश्त भी, ठीक है? तो सब पैक करके ना डब्बे में फिर बहन भाइयों को भिजवाना, ठीक है? हाँ, वो आपके लिए कितनी चीज़ें भेजते हैं, आप एक खाना नहीं भिजवा सकते? डर गई स्त्रियाना, डर गई। चलो रोटी बना लो पुत्र, ठीक है? रोटी बना लो। आज फिर नहीं बाल सीधे किए? बाल सीधे करवा लिया करो, दुपट्टा भी पहना करो, शाल भी पहना करो। हाँ, क्या होता है, नहीं अच्छी लगती? चलो अच्छी लगेगी, मैं आपको बनाऊंगा फिर, ठीक है? ये देखिए माशाल्लाह, हमें जो है बाकी सारे काम कर लिए, और यहाँ पर जो है ना घास डाल रही थी अभी, इनको जो है घास डाल के मिक्स कर दिया है भूसे में, और वो देखिए अभी उसको डाल रही हैं बड़ी गाय को। तो चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं हाल अहवाल जानते हैं। और ये दो रेत के बोरे जो है ना, ये बच गए थे, अभी ये और भी काम आने हैं किचन के काम के। चलो अब हम यहाँ आ चुके हैं, और वो थोड़ा सा जो है ना घास बचा हुआ है, इसको पता नहीं अभी डालेंगी या किसी और चीज़ के लिए रखा है। हाँ जी, हमें सारे काम कर लिए। हाँ जी, अभी ये आखिरी है जहाँ और भी पड़े हुए हैं, बस और थोड़ा बहुत रह गया झाड़ू वगैरह। झाड़ू तो अभी आप दे रहे थे, अंदरू वाला दे रहे थे। हाँ, अंदरू माल दी जगह साफ की थी, वो दोनों कमरे में झाड़ू लगाया, बिस्तरे मेरे और ना ये बकरी वाला वाड़ा साफ करना है, तो बाहर में झाड़ू लगाना है, ये घास डाल दूँ। सहन है इस पे झाड़ू लगाना का कोई? वो तो सारी है, तो रेत बन तो मुश्किल है ये, फिर इसको जल्दी जल्दी पक्का करवाएंगे ना इंशाल्लाह, चार दीवारी के बाद फिर जाना सही होगा। सुबह सुबह धो दिया है तो मसला, चार दीवारी लग जाए ना तो फिर सुकून से उसको पक्का कर के लेम्ब के बेहतरीन बन जाएगा। ऐसे तो झाड़ू लगाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा रेत है। चलो कोई मसला नहीं, कोई ना कोई फेरना तो पड़ता है। ये डेली ऊपर से ना थोड़ी थोड़ी रेत हटाती जाती है ना, तो नीचे से सही होता जाएगा। हाँ जी, चलो थोड़ी बहुत इससे कर लेते हैं, ऐसा ऐसा सारे खट्टे लगे हुए मसरूफ है ना, बस कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, हम अकेले बस कैसे सारा संभालो, फिर आ जाएंगे सब इकट्ठे मिल के फिर करेंगे, इसलिए चलो वो आएंगे तो इंशाल्लाह। बाकी मैं चार दीवारी का सोच रहा हूँ, वो भी चार दीवारी जितनी जल्दी हो सके तो फिर इंशाल्लाह। चलो करना है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाकी तो काम कंप्लीट हो गए, बस वो छत रहती है किचन वाली, और ये चार दीवारी और पलस्तर, सैन सैन का पलस्तर। चलो आहिस्ता आहिस्ता बेटा, परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह ताला को मंजूर, बस जब भी फुर्सत होगी इंशाल्लाह, पता ही नहीं चलेगा, सारा काम सेट होगा। चलो टेंशन नहीं लेनी, बस सही है। ये घास डाल दिया आपने? हाँ जी डाल दिया। अभी वो क्यों बचा हुआ है? वो फिर बच्चों को डालूंगी, उनको ज्यादा सावा करके दोबारा डालते हैं उनको। तो यहाँ देखे समिया को, माशाल्लाह रोटी खा रही है। ओहो, मुझे देखकर बस भी कर दी। हाँ जी, जो किया देखो क्या बोल रही है। रोटी चावल बस कर दे, जब मैं आया तब बस कर दे। ये कैसे मुझसे डरती है? तो फिर बस क्यों कर दी मेरे आने से? ओ भाजी जो मुख्य क्यों सालन और नहीं है? नहीं। फिर आप ये रोटी जो बचाई हुई है किस किस चीज के साथ, किस चीज के साथ खाएगी? क्या पता, आपको पता भी नहीं है? कोई चीज तो दोगी क्या? मेरा क्यों ऐसा, कोई चीज नहीं पड़ी? चाय, चाय आए तो चाय के साथ नहीं खा सकती वो? चाय नलका नहीं खाने। हाँ, और अरे भाजी हो रहे बस, सिर्फ सालन। अच्छा, आपकी भाभी और क्यों नहीं आ रही है? मैं क्या बड़ा क्यों नहीं आ रहा? अच्छा कहना अभी पूछ लेते ना फोन करके क्यों नहीं आ रही। हाँ, बस हम बैल ले लेते। तो अबू को बोल लेते, नंबर मिला है तो आप कॉल कर लेते, बात कर लेते।
अरे कल आवे सु कल हां बोला पता तो है ना आपको हां फिर क्यों बोला मुझे नहीं पता चलो कल आ जाएंगे ठीक है सही है आपने समिया को रोटी खिला ले चलो आपने भी खा ले मैं सवेरे खा ले सवेरे खा ले थे अभी नहीं खाए अभी दोपहर में खाओगे दोपहर को देखा क्यों ओ सवेरे जोगी तीन दिए सवेरे जोगी बनाते हो दोपहर को बच्चा क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मुख्य है